नमस्कार, सिरासर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। शिव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलदेव नगर में ग्रामीणों के सहयोग से विद्यालय स्टाफ ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बायतू इलाके के दौरे पर है, जहां उन्होंने ग्रामीण इलाकों में क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लूणू गेहूं गांव में सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। चौटन कस्बे में सुंदर नगर के निचले हिस्सों में नालियों के पानी की निकासी के अभाव में रास्तों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ANM प्रिया चौहान को 30,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करने पर उपखंड प्रशासन ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर सम्मानित किया। ब्यावर के अंधेरी देवरी स्थित श्री सीमेंट कंपनी का 75वां स्वाधीनता दिवस उमंग उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मसूदा प्रधान मीनू कंवर राठौड़ ने आमजन की समस्या सुनते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। महावीर इंटरनेशनल युवा और JSG यूथ के तत्वाधान में समीर ज्ञान भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में 111 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। मंडावरिया ग्राम पंचायत समेत सरकारी विद्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस पर सरपंच राजभाला चेतन सकलीचा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। रावतबाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 312 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। भैंसरोड़गढ़ श्री राम बाल विद्या मंदिर में विद्यालय परिवार की ओर से हनुमान मंदिर परिसर में अखंड भारत का नक्शा बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड की ओर से सावन महीने में अमावस्या के पावन मौके पर महापालेश्वर मंदिर में भगवान शिव का तीसरा अभिषेक हुआ। रावतभाटा में परमाणु बिजली घर के 7वीं और 8वीं इकाई के अधीन कार्यरत SP कंपनी में श्रमिकों का लगातार हो रहा शोषण। रावतभाटा में नीचे बाजार हाट चौक में सरयाम युवक को मारी गोली। बौली मुख्यालय पर पानी की किल्लत, 3 दिन में 1 बार पानी मिलने से आमजन परेशान। मलाना डूंगर कस्बे में कृषि फार्म की तलाई में 2 दिन से लापता 15 वर्षीय किशोर का शव मिलने से सनसनी। खंडार क्षेत्र में आखोदा गांव में रविवार को हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक ऊंट की मौत हो गई। विधिक सेवा समिति खंडार श्री श्वेता अग्रवाल के द्वारा न्यायालय परिसर समेत अन्य जगहों पर पौधारोपण किया गया। खंडार इलाके के BVP द्वारा एक गांव एक तिरंगा कार्यक्रम के तहत भूतेश्वर महादेव मंदिर पर तिरंगा फहराया गया। दौसा के पांचोली गांव की सड़क का खस्ता हाल है, रास्ते में कीचड़ कांबार। दौसा के सिकराय में पंचायत चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन आवेदन भरने के लिए दावेदारों की भीड़ उमड़ी। दौसा के कड़ीकोड़ी चौराहे पर बाइक के आगे आवारा पशु के आ जाने से बाइक सवार घायल हो गया। दौसा जिले में पंचायत चुनाव में जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिले, अब वो बागी होकर टाल ठोक रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान में सघन वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ। घरसाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 किलो डोडा पोस्ट समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 33 KV लाइन से ब्लॉक का पूर्ति सही नहीं होने से सिंचाई पानी का अभाव में क्षेत्र में फसलें खराब। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी निर्वाचन को लेकर इकाई की बैठक का आयोजन हुआ। गसिकपुर में रिटायर्ड अध्यापक बलजीत सिंह के साथ लूट की वारदात, 3 नकाबपोश बदमाशों ने जेब में रखी नकदी छीन ली। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। नागौर जिले के कुचेरा कस्बे में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में शहीद बीरमा राम मेघवाल के स्मारक तक तिरंगा रैली निकाली गई। कुचेरा कस्बे के राजस्थान गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नागौर जिले के भाकरोदा गांव में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नागौर जिले के श्रीनाथुरा मिर्धा ग्राम उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट ने 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। नागौर जिले के श्री बालाजी थाना परिसर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस के जवानों द्वारा पौधारोपण किया गया। नागौर जिले के पालरे जोधा गांव में ग्रामीणों ने स्वतंत्रता दिवस पर मोरपा माता तालाब परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। नागौर जिले के नामबड़े उपखंड में 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया।
बांसवाड़ा जिले के जगमेरू की पहाड़ी पर पहली बार पैराग्लाइडिंग की शुरुआत हुई। 800 मीटर ऊंची जगमेरू की पहाड़ी से शुरुआत। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विकास अधिकारी फिरोज खान को 50,000 और कोटरा सचिव को 20,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ इलाके में कुत्ते का आतंक, यहां पर कुत्ते ने 12 दिन में 28 लोगों पर हमला किया। बांसवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 साल से फरार चले 11 मामलों में वांछित स्थायी वारंटी कल्पेश मालोत को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रेम प्रताप मालवीय ने ध्वजारोहण किया। अंता में जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने ई मित्र केंद्रों का निरीक्षण किया। अनावता शाजी में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया, जहां पर पशु चिकित्सालय भवन में देर रात को झंडा फहराया गया। मोहाल गांव में भूमाफियाओं ने हमला कर दिया, जिसमें युवक हरि सिंह मेहता बुरी तरह घायल हो गया। बारह में एक्शन एड ने कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग को 15 लाख से ज्यादा के चिकित्सकीय सामग्रियां दी। सिसवाली ग्राम पंचायत में गंदगी से आमजन परेशान, ग्राम पंचायत नहीं दे रहा ध्यान। दुंगापुर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने देवल, वागदरी और सतीरामपुर में ई मित्र केंद्रों का निरीक्षण किया। भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्योति पांडे और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका पांडे सिमलवाड़ा इलाके के दौरे पर रहे। डूंगरपुर जिले के नलवा गांव के ग्रामीणों ने आसपुर एसडीएम और बीडीओ को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर जिले के चिखली गांव में जगदीश महाराज द्वारा निकाली जा रही गौ यात्रा के पहुंचने पर धर्मसभा का आयोजन। सीकर जिले के निमका थाना इलाके के टोडा की डुबड़ा की नरेगा में काम करने वाले महिलाओं ने रोड जाम कर करीब 3 घंटे विरोध प्रदर्शन किया। सीकर के फतेहपुर में नजदीकी गांव बेसवा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट हुए। सीकर के अजीतगढ़ इलाके के दिवराला में श्री माधोपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सड़क का लोकार्पण किया। सीकर जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। सीकर में कलेक्टर अविशाल चतुर्वेदी ने ध्वजारोहण किया। सीकर के रानोली इलाके के पलसाना में आटा मिल पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा चोरी से माल बेचने के आरोपी शंभू को रानोली पुलिस ने गिरफ्तार किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए गए एक गांव एक तिरंगा अभियान के तहत कस्बे में तिरंगा रैली निकाली गई। नेहरू युवा केंद्र के निर्देशानुसार ग्राम चोतरा का खेड़ा में विद्यालय परिसर में नेहरू युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने 60 पौधे लगाए। राज्य मंत्री अशोक चांदना का दौरा, सांप के काटने से हुई महिला की मौत, 3 बच्चों की हालत गंभीर। 15 अगस्त को छुट्टी का लुत्फ उठाने हजारों सैलानी बरधा बांध पिकनिक मनाने पहुंचे। बड़ौदिया सरपंच राधेश्याम गुप्ता ने 15 अगस्त पर ध्वजारोहण किया। कुकर खेड़ा ने संख्या 8 से पंचायत मुख्यालय तक और राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सरपंच ख्याली देवी, सचिव अंकित सेन समेत समस्त वार्ड पंचों ने पौधे लगा। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर बरार महादेव मंदिर पर आयुर्वेद डॉक्टर मुकेश शर्मा ने योग प्रदर्शन किया। डूंगरखेड़ा मंडल द्वारा लगीत खेड़ा में देवगढ़ प्रधान कल्पना कवरताल, प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप सिंह चुंडावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर राजकीय विद्यालय के मैदान में ध्वजारोहण किया। 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान उपखंड मजिस्ट्रेट उमेद सिंह राजावत और विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया। बजावा रावत का ग्राम पंचायत में वाणी संस्थान की ओर से जलदाय योजना के तहत सर्वे हुआ। बालाजी सेवा समिति बुगाला के तत्वाधान में शनिवार को बावलिया बाबा मंदिर में सालासर के लिए पदयात्रा रवाना हुई। जखोड़ा से मंट्रेला में पंप हाउस में जाने वाली राइजिंग लाइन में 6 अवैध कनेक्शन काटे गए। हांसलसर ग्राम पंचायत वाणी संस्थान की ओर से जलदाय योजना के तहत सर्वे किया गया। झुंझुनू के बनगोठरी कला पंचायत के बनगोठरी खुर्द गांव में कार्यरत पंप चालक की शिकायत को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। कोटपुतली इलाके में हो रही फायरिंग, लूट, हत्या जैसी वारदातों को देखते हुए लोकतांत्रिक जदयू के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सरोंडा थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया।
बगरू के बड़ के बालाजी बस स्टैंड पर स्थित हनुमान मंदिर परिसर में 29 अगस्त को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचित हुआ। जमरामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में बंदरों का आतंक, ग्रामीणों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। भानपुर कला कस्बा स्थित सीएससी परिसर में नए भवन निर्माण में कार्य कर रहे श्रमिकों का मोबाइल और नकदी चोरी। बगरू के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पालिका अध्यक्ष मालू राम मीणा के मुख्य आतिथ्य में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों की याद में मम्माणा गांव में व्यापार मंडल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। टोडामहम कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा ने ध्वजारोहण किया। टोडामहम कस्बे में संचालित आदर्श विद्या मंदिर में 10वीं कक्षा में 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। हिंडौन सिटी के तुलसी आश्रम स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को चोला चढ़ाकर 100 से ज्यादा कन्याओं को भोजन कराया गया। हिंडौन सिटी के सुरौट कस्बे में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कई युवाओं ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस को आजादी महोत्सव के रूप में मनाया। विनोद कला में शहीद स्मारक पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित। बोरखेड़ा और उद्योग नगर इलाके में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सांगोद में जेएलएन संस्थान की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1,000 पौधे लगाए। बपावर में सांगोद विधायक भरत सिंह के जन्मदिन के मौके पर टीकाकरण शिविर का आयोजन। कोटा के 3 चिकित्सकों ने सांगोद में निःशुल्क जांच शिविर लगाकर मरीजों की जांच की। बिलाड़ा समेत आसपास गांव में सावन के सोमवार के दिन शिव मंदिर और कल्प वृक्ष पर भक्तों की भीड़। जोधपुर के फलोदी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट मनोज कुमार गुप्ता का सम्मान हुआ। मिलाड़ा के मोती सिंह स्टेडियम में 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मिलाड़ा में कुमाऊं समाज ने आजादी के पर्व पर पौधारोपण की शुरुआत की। पिछिया गांव में टैक्सी चालक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत। खेजरड़ा गांव में एक व्यक्ति का रास्ता रोकने पर मारपीट कर रुपए छीनने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के फलोदी राजकीय सीनियर परिसर में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कोविड काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 94 प्रतिभाओं का सम्मान। जोधपुर के फलोदी स्थित डडू गांव में प्रथम वीर चक्र स्वर्गीय छौक सिंह राठौर के स्मारक स्थल पर सरपंच और ग्रामीणों की उपस्थिति में ध्वजारोहण हुआ। सावन महीने के अंतिम सोमवार को लेकर शिव भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दिया। गोठवाड़ा आदिवासी संगठन वाली द्वारा वन अधिकार समितियों के सदस्यों की ट्रेनिंग हुई। श्री क्षेमकरी माता मंदिर धर्मशाला भाटुंड में भारत माता और श्री वैष्णो देवी माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आरसी मेमोरियल के डायरेक्टर भैरव सिंह गुर्जर के नेतृत्व में वृक्षारोपण हुआ। चलिए यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।